स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में मैं अपना यूजीसी नेट जेआरएफ की कहानी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं कि क्यों देना है यूजीसी नेट का एग्जाम, इससे क्या मिलने वाला है, एज इन क्या अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं, कब देना चाहिए, इससे क्या फायदा है, या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये बैकअप प्लान बन सकता है। तो मेरा जो पहला इनकाउंटर होता है सबसे, यू नो, व्हेन आई गेट टू नो अबाउट द यूजीसी नेट एग्जाम इज जब मैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करके मैं एमए में आती हूँ। तो मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी श्रीराम कॉलेज से था और मैं मास्टर्स के लिए एंट्री एग्जाम दे रही थी फॉर एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो उस एग्जाम के दौरान जब मैं प्रिपेयर कर रही थी कि किस तरीके से एग्जाम हो सकता है, कैसे यू नो एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, और उस समय पे जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स फॉर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स। तो वहाँ पे तब कहा जाता था कि अगर आप यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर्स देखते हो तो जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम भी आपको आसान मिलेगा, ठीक है। तो जेएनयू के पास में ही बेरसराय में गए थे और वहाँ से कई सारे यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर्स लेके आए थे। वहाँ से शुरू होता है मेरा यूजीसी नेट के साथ एक लव हेट रिलेशन जिसे कहते हैं। ये तो पता था कि मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट एग्जाम देना है ताकि एक टीचिंग अपॉर्चुनिटी खुल जाए, बट मास्टर्स में किसको क्या क्लैरिटी रहता है कि क्या करना है, ये भी एग्जाम देना है, यहाँ पे भी जाना है, ये भी एक्सप्लोर करना है, सभी स्टूडेंट्स के पास ये डायलेमा रहता है, मेरे पास भी था। तो उस समय पे एक अंडरस्टैंडिंग था मेरे फ्रेंड सर्कल में कि यूजीसी नेट जो एग्जाम होगा उसको क्लियर करना है और सेकेंड ईयर मास्टर से आप दे सकते हो यूजीसी नेट, और उसको क्लियर करते करते ये रहेगा कि वी विल एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज। तो मतलब क्या कि यूजीसी नेट वॉज अ सेकेंडरी और अ बैकअप प्लान, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना है, और यूजीसी नेट जो मैं पहली बार दे रही थी उस समय पे इट वॉज रिटन, आज के दिन पे तो एमसीक्यूज है, उस समय पे रिटन था, पेपर वन एंड टू था, पेपर वन एमसीक्यू था और पेपर टू में आपको लिखना था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिखना रहता, ठीक है। तो आप पढ़ ही रहे हो एमए में तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पेपर वन से बहुत डर था, तो कुछ बेसिक किताब लेके दोस्तों में करते गए प्रैक्टिस जितना कर पाए। तो पहला एग्जाम था, अच्छा पहला एग्जाम हमने दिया दिसंबर में, सेकेंड ईयर मास्टर्स के दिसंबर में, और उस समय पे क्या होता था कि साइकिल वही है जो आज आपको दिखता है जून और दिसंबर का। तो दिसंबर से में हमने दिया एंड एज यूजुअल पहला अटेम्प्ट वाज नॉट सक्सेसफुल, और मैंने यहाँ पे एज यूजुअल इसलिए कहा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वही रहता है। तो पहला अटेम्प्ट नहीं रहा और उस बड़ा मतलब काफी झटका लगा कि यार ये नहीं हो पाया हमसे, यूजीसी नेट नहीं हो पाया, ठीक है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जून में आने वाला है, तो जून के लिए प्रिपरेशन करना है, और बाय दैट टाइम मास्टर्स वाज आल्सो कमिंग टू एंड, अब क्या करना है, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम देने लगे थे, लॉजिकल ये भी था कि एमफिल में अप्लाई करना है, उस समय पे एमफिल भी था, तो एमफिल के लिए अप्लाई करना था, जेएनयू में ही अप्लाई करना था, तो उसका फॉर्म भी भर लिए और जून का एग्जाम भी दे दिया। एंड जून के एग्जाम पे क्रैक हो, बट जेआरएफ क्रैक नहीं हुआ। तो मेरा जो पहला यूजीसी नेट क्लियर होता है वो पॉलिटिकल साइंस में होता है, बट उसमें जेआरएफ नहीं आता है। अब दो चीज है, ऑब्वियसली दो क्वेश्चंस हैं, एक ये है कि मैंने अभी कहा कि मेरा एमए आईआर है तो पॉलिटिकल साइंस कैसे दे दिया। तो ऐसे कई रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप एमए आईआर या एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो आप पॉलिटिकल साइंस, आईआर, ह्यूमन राइट्स और डिफेंस को लेके एग्जाम दे सकते हो। तो इसको क्लस्टर सब्जेक्ट्स बोलते हैं, क्लस्टर सब्जेक्ट्स आपको ढूंढना पड़ेगा यूजीसी के वेबसाइट पे एंड सारे क्लस्टर्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब पॉलिटिकल साइंस का जो यूजीसी नेट पेपर होता है उसमें कई ज़्यादा कॉम्पिटिशन होती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, तो वहाँ पर जेआरएफ क्रैक करना मुश्किल है, पर जेआरएफ तो चाहिए था क्योंकि जेआरएफ के साथ अटैच किया था स्टाइपेंड, पैसा आना था, तो जेआरएफ के लिए और मेहनत करनी थी। अब यहाँ पे दोस्तों से बात सुनी शुरू हुई कि पॉलिटिकल साइंस तो डिफिकल्ट रहेगा, आईआर में क्रैक करते हैं, ठीक है, बट
JRF का मतलब क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फेलोशिप स्टाइपेंड मिलता है। एंड ऑब्वियस बात है ये स्टाइपेंड बहुत ज़रूरी है बाय द टाइम यू यू नो हिटिंग MPhil एंड PhD। तो इसीलिए फिर से अटेम्प्ट दिया दिसंबर वाले एग्जाम में, और उस बार थैंकफुली JRF लग गया IR में। अब एक सब्जेक्ट में UGC नेट था, एक में JRF था, फेलोशिप भी आने लगा, एक्सेलेंट। अब इन दो एग्जाम का जो यू नो सर्टिफिकेट, उसको लेके करना क्या है, दो चीजें आ जाती है यहां पर फिर से। पहला कि MPhil तो शुरू कर लिया था, रिसर्च भी कर रहे थे, मजा भी आ रहा था, ये क्लैरिटी था कि अगर MPhil आ ही गए तो PhD करके ये गो टू। बट उस समय पे ये भी शुरू होने लगा था कि कहीं ना कहीं नौकरी की काफी जरूरत है, बिकॉज फाइनेंशियली यू नीड सम काइंड ऑफ सस्टेनेंस। अब स्टाइपेंड कितना आता है उससे हॉस्टल डेली का खर्चा तो निकल जाता है, बट अगर किताबें एक्स्ट्रा जो PhD के लिए चाहिए होगा या कोई एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर्स, तो कई सारी चीज़ों का डिमांड आ जाता है जैसे जैसे आप PhD की तरफ चलते हो। तो वहाँ पे शुरू होता है कि यू नीड अ जॉब, एंड वहाँ पे काम आया मेरा UGC नेट का दोनों सर्टिफिकेट। क्या है कि आप जब UGC नेट क्लियर हो जाते हो देन आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज। पहले जब एडहॉक का सिस्टम था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस समय पे आपका UGC नेट एक एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फॉर एक्चुअली आपका नाम फॉर्म में आने के लिए। उसके बाद तो कैटेगरीज डिवाइड होती थी, उसके ऊपर यू कैन गो एंड गिव योर इंटरव्यूज। बट ये UGC नेट, सोचिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बट कहीं और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना होता, यही UGC नेट मेरे को वो एलिजिबल करता उस इंटरव्यू के लिए। जॉब के लिए नहीं था बट वो इंटरव्यू के लिए इट ओपन्ड अप द डोर। तो कई सारे इंटरव्यूज दिए, फाइनली एडहॉक एक पोजीशन मिल गया और वहां पे स्टार्टेड टीचिंग। वहां से स्लोली थिंग्स बिकेम इजियर फाइनेंशियली, एंड ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिला टीचिंग का और UGC नेट का वैल्यू समझ में आया, क्योंकि पहले तो क्या था कि JRF का स्टाइपेंड चाहिए था, बट अभी समझ में आने लगा कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन ओपनिंग टीचिंग डोर्स, चाहे वो बैकअप प्लान हो चाहे वो आपका एक्चुअल प्लान हो। क्योंकि बाय द टाइम मैंने PhD खत्म करना शुरू किया तो मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे पढ़ाना ही है, एकेडमिक्स में ही जाना है, एंड दैट बिकेम माई फर्स्ट लव इन दैट सेंस। तो ये नहीं था कि कहीं और मेरे को अपॉर्चुनिटीज या कोई और जॉब ढूंढना, आई वॉज वेरी क्लियर आई वॉन्टेड टू टीच। एंड इसी वजह से UGC नेट का जो सर्टिफिकेट आता है इट स्टार्टेड गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस। अब दो चीज आ जाती है, आज के दिन UGC नेट का वैल्यू थोड़ा चेंज हो चुका है। क्यों? सबसे पहला तो आज UGC नेट के स्कोर पे आपको डायरेक्ट PhD मिल जाएगा, मतलब MPhil खत्म है और कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना है आपको PhD के लिए। जो भी आपका UGC नेट का स्कोर रहेगा उससे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू फॉर PhD मिलने वाला है। इंटरव्यू में जाके आपको बेसिकली क्या करना होता है, एक रिसर्च सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा बाय द टाइम यू आर परस्यूइंग PhD या PhD नहीं मिलता है, आपको एक साल ब्रेक लेना है, जो भी है, UGC नेट आपको एलिजिबल बनाता है फॉर टीचिंग पोजीशंस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैकअप प्लान। आपको नहीं पता कब ये UGC नेट आपको काम आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि PhD अगर डिग्री आ जाती है तो नेट का क्या है, अग्रीड PhD डिग्री के साथ साथ आप पढ़ा सकते हो, यू डू नॉट नीड UGC नेट। बट प्रॉब्लम यह है PhD जो है वो 4 साल का है। अब चार साल तो मिनिमम है, कहीं कहीं तो 5-6 साल भी जाता है। इट्स अ ह्यूज कमिटमेंट और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हो सकता है कि आपको डीरजिस्टर करना पड़े, हो सकता है कि आपको PhD में मजा ना हो, आपको फाइनेंशियली कहीं और पढ़ाना है, वहां पे काम आता है UGC नेट। और मैंने अपने इस स्टोरी में, अपने इस एक्सपीरियंस में ये देखा है कि वो जो दो एग्जाम्स मैंने हंसते खेलते दोस्तों के साथ मैंने दे दिया, इट बिकेम सच अ सपोर्ट इन माय एकेडमिक करियर। फाइनेंशियली एक एक्सपीरियंस आ गया टीचिंग का, एक कॉन्फिडेंस आ गया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज भी उस नेट एक्सपीरियंस, जो एग्जाम का एक्सपीरियंस है, जो बेसिक मैंने सीखा था पेपर 1 में,
इट स्टिल कम्स टू यूज, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, बेसिक जो मैंने सीखा था आज भी मैं यूज करती हूँ. तो इसीलिए व्हेनेवर यू प्लानिंग फॉर यूजीसी नेट, चाहे वो आपका प्लान ए हो, प्लान बी हो, या वो प्लान एक्स वाई है, आपको देना चाहिए. कीप इट, इट्स जस्ट वन एग्जाम एंड आई एम श्योर कि आप क्रैक कर सकते हो. इसी के साथ आई होप आई हैव इंस्पायर्ड यू इनफ टू गो एंड गिव द एग्जाम. मिलते हैं अगले वीडियो में. स्टडी आई क्यू आई एस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.